हेलो दोस्तों वेलकम बैक 100 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज के दसवें दिन में आपका स्वागत है और आज मैं बात करूंगा जिंदगी के पांच कड़वे सच के बारे में जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है ये मैंने हाल ही रिसेंटली में सीखा है तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नंबर वन नथिंग कम्स फॉर फ्री मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी रात भर घिसना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा दिन रात आपको लगाना पड़ेगा जिस चीज़ में आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं अगर वहीं रिलेशनशिप में आए अगर आप एक अच्छा माँ बाप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा बेटा बनना पड़ेगा एक अच्छा दोस्त चाहते हैं तो अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा और वहीं एक अच्छा रिश्तेदार चाहते हैं तो एक अच्छा रिश्तेदार बनना पड़ेगा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती आपको हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है और नंबर दूसरा जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में भी बात की थी कि कंफर्ट जोन आपका डेंजर जोन है मतलब कंफर्ट जोन आपको आगे नहीं बढ़ने देता ये आपको जहाँ पे हो आप वहीं रह जाते हो जब तक आप अपने आप को कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी आप को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा तभी आपको ग्रोथ मिल सकती है और नंबर तीन जब किसी भी चीज़ को आप सबके लिए परफेक्ट बनाना चाहते हो तो फिर वो आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा इसका एक पार्ट ये भी है कि अगर आप सबके लिए अच्छे हो सकते हो तो फिर खुद के लिए अच्छा नहीं हो इसका मतलब है ये है कि आप एक अच्छा इंसान नहीं हो आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा तो आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते आप किसी के, के लिए बुरे हो सकते हो किसी के लिए अच्छे हो सकते हो सो so, किसी सो so, आप ज़िंदगी में यह मत करिए कि सबको खुश करने की कोशिश मत करिए सबको खुश करने की कोशिश कीजिएगा तो अंत में आप खुद दुखी हो जाइएगा इसलिए सबको खुशी कर करने की कोशिश मत कीजिए नंबर चौथा आप अपने अच्छाइयों के लिए याद नहीं किए जाते जितना कि अपने बुराइयों के लिए याद किए जाते मतलब आप ज़िंदगी भर अच्छा काम कर लो जिंदगी भर पुण्य कर लो बट आप अगर एक गलती करते हो तो लव आपको उस गलती की वजह से याद करेंगे ना कि आपको अच्छाइयों की वजह से याद करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 99 नाइन अच्छाइयाँ कर लो बट एक गलती कर दोगे तो फिर आपकी उसी गलती को लोग याद रखेंगे और नंबर पाँच आप चाहे तो जीत सकते हो या फिर सीख सकते हो आप हार नहीं सकते ऐसा नहीं है कि आप हार नहीं सकते बट हार तो आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए सेटबैक्स आए तो आप उससे सीख सकते हो बट सारे इंसानों का जो एटीट्यूड होता है वो सीखने वाला नहीं होता ग्रोथ माइंडसेट सेट सबकी नहीं होती बहुत सारे लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है और वो लोग के लाइफ में अगर चैलेंजेस आए फेलियर्स आए तो फिर वो लोग अपने आप को फेलियर मान लेते हैं और उन लोगों को लगता है कि मेरी हार हो गई बट अगर आप सीखने वाले बंदे हो आप अगर कन कॉन्स्टेंटली सीखना चाहते हो तो फिर यकीन मानिए हार आपके लिए नहीं है आप हार नहीं सकते जीत सकते हो लेकिन जीत सकते हो सीख सकते हो लेकिन हार नहीं सकते सो so, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है तो दोस्तों ये रहा जिंदगी के पांच कड़वे सच तो आपका इनमें से सबसे फेवरेट कौन सा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच